बागली विधानसभा शायद मिलते पूरे भारत में इसलिए पहचानी जाती है कि वहाँ पे राजनीति के संत मेरे पिताजी सामान्य कैलाश जोशी जी लगातार 8 बार विपक्ष में रहकर चुनाव जीते, और शायद बागली की जनता ने उन्हें इसलिए मतदान दिया, जो मुझे लगता है कि जोशी जी ईमानदार हैं, जोशी जी कभी झूठ नहीं बोलते। बागली की जनता हमेशा ईमानदारी के साथ रही है, लेकिन विगत कुछ सालों से बागली भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं बागली की जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन बागली के राजनीतिक कार्यक्रमों से मेरी दूरियां रही हैं, और मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही हैं, गलतियों के साथ बेईमानी हो रही है। इस दृष्टिकोण में मैंने तत्कालीन कलेक्टर चंदमौली शुक्ला जी को लगातार अवगत कराया, लेकिन शायद वो शासन के या भ्रष्टाचारियों के पिट्टू बनकर देवास जिले में काम करते रहे। ऐसे दृष्टिकोण में जो नए कलेक्टर आए हैं सम्मानी गुप्ता जी, वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती तो जैसा मैंने कहा था कि मैं जनता के लिए मैदान में आऊंगा, और नए साल 2023 में मैं जनता की लड़ाई सड़क पे भी लड़ूंगा और कानून के माध्यम से कोर्ट में भी लड़ूंगा, और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया उनकी संपत्तियों से पता चल जाता है कि उन्होंने कितने रुपये करोड़ों रुपए का घोटाला को अंजाम दिया है। इसलिए मेरा इस प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन से फिर से निवेदन है कि कानून की परिधि में इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।